हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स मेरी यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी इन हिंदी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। ये वीडियो जो है इंडियन पोस्ट, जी हाँ, मध्य प्रदेश इंडियन पोस्ट ऑफिस की जो मध्य प्रदेश सर्कल है, इसमें आप लोग की वैकेंसी निकली हुई है। 2834 वैकेंसी निकली हुई है, बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकली है। तो यदि आप लोग भी इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इसकी पूरी जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप लोग मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को इसकी पूरी जानकारी मिल सके। तो आप लोग देख सकते हैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे मत जैसी इस वेबसाइट का लिंक मैं आप लोग दे दूंगा, ठीक है। वेबसाइट के लिंक पे क्लिक करते ही आप लोग यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में आप लोग देखेंगे मध्य प्रदेश 2834 पोस्ट, ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद जो है आप लोग को पीडीएफ ओपन हो जाएगा। तो मैं आप लोग को कुछ बातें बता दूं, इसमें जो वैकेंसी आप लोग को जैसी बताई गई 2834 वैकेंसी निकली हुई है। और यदि आप लोग ओनली और ओनली 10th पास हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट डेट जो इसकी यहाँ पे रहने वाली है आप लोग देख सकते हैं 7 जुलाई 2020, जी है 7 जुलाई 2020 की लास्ट डेट रहने वाली है। और इसकी ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुकी है, इसके ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं जिसके लिए आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फी पेमेंट करनी है और अप्लाई ऑनलाइन करना है, ठीक है। तो पूरी जानकारी मैं आप लोग को इसके ऑनलाइन अप्लाई के लिए अलग से वीडियो बना दूंगा, बट मेरा आज का जो वीडियो है इसके रिक्रूटमेंट के बारे में जानकारी देने से, तो चलिए मैं आप लोग को A to Z इसकी पूरी जानकारी देता हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश का जो है ये पोस्ट ऑफिस का यहाँ पे PDF ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ग्रामीण डाक सेवक की जो इसमें वैकेंसी है, इसमें आप लोग की जॉब प्रोफाइल जो रहने वाली है ब्रांच पोस्ट मास्टर की, जी हाँ ब्रांच पोस्ट मास्टर की यहाँ पे आप लोग की जॉब प्रोफाइल रहेगी, या फिर आप लोग की असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर की यहाँ पे जॉब प्रोफाइल रहेगी। इसके अलावा आप लोग की जो है डाक सेवक की जॉब प्रोफाइल रहेगी। तो जॉब प्रोफाइल के बारे में यदि आप लोग पढ़ना चाहते हैं किसके बारे में कि क्या है इनकी जॉब प्रोफाइल, तो मैं आप लोग को बता दूं जो ब्रांच पोस्ट मास्टर इनका जो वर्क ऑफिशियली है, ठीक है, जैसे कि इनको हैंडल करना है कोई भी किसी भी प्रकार के कोई ऐसा वर्क है, फैसिलिटी मेंटेनेंस रिकॉर्ड वगैरह, ठीक है, और जो भी लैपटॉप के थ्रू जैसे भी मतलब ये वर्क कर सकते हैं, ऑफिशियली वर्क है इनका। और इसके अलावा जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो वर्क है, यहाँ पे आप लोग को जो पेमेंट वगैरह होती है, ठीक है, जो मेल वगैरह करना, ये सारी की सारी काम जो असिस्टेंट पोस्ट मास्टर के अंतर्गत आती है। और इसके अलावा डाक सेवक की भी इसी प्रकार की वैकेंसी है, ठीक है। आप लोग इसे पूरी तरीके से पढ़ लेंगे, कुछ समझ में ना आए तो वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। तो इसमें आप लोग को सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं आप लोग को बता दूं कि इसमें सैलरी कितनी मिलने वाली है। तो सैलरी यदि आप लोग ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए अप्लाई करते हैं, ये सेलेक्ट होते हैं, तो आप लोग यहाँ पे जो है 4 आवर के आप लोग को 12,000 रुपए मिलेंगे, और 5 आवर यदि आप लोग 5 आवर के लिए 14,500 रुपए यहाँ पे मिलने वाले हैं। इसी प्रकार से यदि आप लोग डाक सेवक के लिए सेलेक्ट होते हैं तो आप लोग को यहाँ पे 10,000 रुपए मिलेंगे, ठीक है, 4 घंटे के, और इसके 5 आवर के आप लोग यहाँ पे 12,000 रुपए मिलने वाले हैं। तो ये चीज आप लोग देख लेंगे, ये पर मंथ आप लोग की सैलरी है, ठीक है। और एज जो यहाँ पे रहने वाली है आप लोग की 8/6/2020 को अकाउंट की जाएगी, और 18-40 साल आप लोग की एज होनी चाहिए। तो एज में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा यदि आप लोग SC ST OBC हैं तो आप लोग यहाँ पे बेनिफिट भी है 3 से 5 साल का। PWD कैंडिडेट या फिर PWD SC ST OBC है तो सभी को 10-10 साल 15 साल जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में दिया जाता है, यहाँ पे पूरी आप लोग को बेनिफिट है। इसके अलावा जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जी है एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है। तो इसमें मैं आप लोग को बता दूं, यदि आप लोग 10th पास हैं तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप लोगों को लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, जी हाँ, लोकल लैंग्वेज मीन्स मध्य प्रदेश की जो भी लोकल लैंग्वेज है, जैसे कि मध्य प्रदेश की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो आप लोग को हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। हिंदी जो है आप लोग के 10th में एक सब्जेक्ट रहा हो, या फिर चाहे वो एक वैकल्पिक सब्जेक्ट रहा हो या फिर एक अनिवार्य सब्जेक्ट रहा हो, लेकिन 10th में आप लोग के पास हिंदी रहनी चाहिए। तो यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया से लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास 10th में हिंदी एक सब्जेक्ट रही है और हिंदी की उन लोग को नॉलेज है, ठीक है, और जिनकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट है, इसमें आप लोगों को कंप्यूटर नॉलेज का ज्ञान होना चाहिए, मींस आप लोगों ने जो है यहाँ पे 10th या 12th लेवल पे कंप्यूटर कर रखी हो, जी हाँ 10th या 12th लेवल पे कंप्यूटर कर रखा हो तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप लोगों ने कोई 60 आवर्स का कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है, जी हाँ दो मंथ का आप लोगों ने कोई कंप्यूटर का कोर्स कर रखा है, चाहे आप लोगों ने गवर्नमेंट से किया हो चाहे प्राइवेट से किया हो, तो भी आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में आप लोग कुछ चीजें और बता देता हूँ, जैसे कि लोकल लैंग्वेज मैंने आप लोग को बता दी है यहाँ पे कि आसाम की जो है यहाँ पे बिहार वाले भर सकते हैं, हिंदी छत्तीसगढ़ हिंदी, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किनकी ओपन लैंग्वेज यहाँ पे क्या है, आप लोग को पूरी डिटेल दी हुई आप लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मैंने आप लोग को अभी ऊपर बता दिया है कि बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग जो है आप लोग कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए 60 घंटे की, ठीक है, यानी कि मीन्स दो मंथ के आप लोगों ने कंप्यूटर कोर्स किया हो चाहे वो किसी भी इंस्टीट्यूट से किया हो प्राइवेट गवर्नमेंट, या फिर आप लोगों ने 10th या 12th में आप लोग के पास कंप्यूटर रहा हो तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा रेजिडेंस के बारे में बताया हुआ, ठीक है, इसे आप लोग पढ़ लेंगे। इसके अलावा नॉलेज ऑफ साइकिलिंग मीन्स आप लोग को साइकिल का ज्ञान होना चाहिए, यदि साइकिल का ज्ञान नहीं तो स्कूटर या मोटरसाइकिल का आप लोग को ज्ञान होना चाहिए। और इसके अलावा जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है आप लोग इसे पढ़ेंगे, ठीक है, कुछ समझ में आया तो मुझसे पूछ सकते हैं।
और वैसे भी जो इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बता देता हूँ, ऑप्शन फॉर अप्लाइंग फॉर यहाँ पे जीडीएस की पोस्ट के लिए और सिलेक्शन क्राइटेरिया, जी सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में आप लोग बता दूं, इसमें जो है आप लोग के हाई स्कूल के मार्क्स के बेस पे ही आप लोग की मेरिट बनेगी, कोई किसी प्रकार का आप लोग का एग्जाम नहीं, चाहे आप लोगों ने इंटर कर रखी हो ग्रेजुएशन कर रखी हो, लेकिन जो आप लोग का सिलेक्शन है वो टेंथ के बेस पे ही होना चाहिए, होने वाला है। जी हाँ, टेंथ के जो मार्क्स हैं उसी के बेस पे होगा। तो यदि आप लोग का ग्रेड सिस्टम है तो आप लोग उसे मार्क्स में कन्वर्ट करके ऑनलाइन अप्लाई में उसे लिखेंगे ताकि आप लोग का सिलेक्शन हो सके, नहीं तो आप लोग के फॉर्म को यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा साइकिल ऑफ नोटिफिकेशन के बारे में बताया, हाउ टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई के बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि पहले आप लोग रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद आप लोगों को फीस पे करनी है। फीस यदि आप लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस मेल कैंडिडेट 200 रुपए, एससी एसटी फीमेल पीडब्ल्यू के कैंडिडेट तो आप लोग को फ्री है, कोई फी में नहीं करनी। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, नाम फादर नेम जो जो लिखना, ठीक है ये मैं आप लोग को बता दूंगा जैसे ही ऑनलाइन अप्लाई वाला वीडियो बनाऊंगा। तो यदि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो जल्द से जल्द मुझे बताइए वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, मैं आप लोग ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद फी पेमेंट होगी। यदि आप लोग फी के लिए यहाँ पे यदि फी आप लोग के ऊपर लागू होती है तो आप लोग को फी पेमेंट करनी है, नहीं तो आप लोग यदि आप लोग के ऊपर लागू नहीं होती तो आप लोग को फी पे नहीं करनी, इसके बाद आप लोग को फॉर्म भरना है। ठीक है, तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी है, ए टू जेड जो भी मध्य प्रदेश सर्कल के अंतर्गत आप लोग की 2834 वैकेंसी निकली हुई है, आप लोग एक बार इसे पढ़िए। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैंने आप लोगों को पूरी जानकारी दे दी। और वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी मुझे बताइए कि ऑनलाइन अप्लाई का वीडियो बनाना है या नहीं बनाना। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा, और जाने से पहले ये कहूंगा चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाइए ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू, नेक्स्ट टाइम।